पार्ट 9 राजा ने कटवाली नाक। एक राजा था, एक बंदर उसका दोस्त था। बंदर उसके लिए सामान लाता था। जब राजा थक जाता था तब बंदर राजा के पैर दबाता था। जब राजा तलवार मांगता था तब वह उसे तलवार उठा कर दे देता था। एक बार राजा सो रहा था, बंदर राजा पर पंखे से हवा कर रहा था। तभी वहाँ एक मक्खी आ गई, वह राजा की नाक पर आकर बैठ गई। बंदर ने उसे पंखे से उड़ा दिया। मक्खी थोड़ी देर बाद फिर राजा की नाक पर आकर बैठ गई। बंदर ने कई बार मक्खी को उड़ाया। जिद्दी मक्खी बार बार वहीं आकर बैठ जाती थी। बंदर को गुस्सा आ गया, उसने राजा की तलवार उठा ली। जैसे ही मक्खी राजा की नाक पर बैठी वैसे ही बंदर ने तलवार से उसे मारा। मक्खी तो उड़ गई पर राजा की नाक कट गई। उस दिन राजा ने कान पकड़कर कसम खाई कि वह कभी भी किसी बेवकूफ से दोस्ती नहीं करेगा। गोल्डन बुक्स का दीवाना, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन।